हेलो मेरे किचन मास्टर, आज मैं बनाऊंगी झींगा। तो देखिए दोस्तों, यह है सूखा झींगा, यह है 100 ग्राम। तो आज मैं इसका दो प्याजा बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, झींगा तो आप बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार झींगा दो प्याजा बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, झींगा दो प्याजा बनाने के लिए मैंने देखिए क्या क्या लिया है। 2 लहसुन का गांठ, 2 प्याज, 4 हरा मिर्च, 1 टमाटर, धनिया पत्ता, अदरक। तो सबसे पहले मैं इसको कट करूंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने कट कर लिया। प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, झींगा को उबालना है। तो मैं गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ। मैं कढ़ाई के अंदर पानी डाल दी हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, हल्का पानी गर्म हो गया है। अब मैं झींगा को डाल दे रही हूँ। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी आप सूखा झींगा बना रहे हैं तो आप उसे उबाल के ही बनाइए। अगर आप नहीं उबालेंगे तो इसका टेस्ट खराब हो सकता है। तो मैं पानी के अंदर झींगा को डाल दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी सही से नहीं उबला है। मैं इसे 2 मिनट और उबालूंगी। मैं ढक के छोड़ दे रही हूँ। अब मैं देख लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब उबाल आ गया है। अब मेरा झींगा सही से पक गया है। अब मैं इसको छान ले रही हूँ पानी में से। तो देखिए दोस्तों, आप इसे पानी से निकाल के अच्छे से सादा पानी से धोइए। अगर आप नहीं धोएंगे तो जो इसमें मिट्टी उट्टी रहता है ना, वो सही से साफ नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, इस साइड वाला पार्ट को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे भी निकाल कर उसके बाद ही बनाइए। आप देख रहे हैं ना मैं कैसे निकाल रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने धो भी लिया है और चुन भी लिया है। अब चलिए बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने गैस चलाकर कढ़ाई रख दिया है। अब मैं इसके अंदर सरसों तेल डाल रही हूँ। तो देखिए, तेल हल्का गर्म हो गया है। तो मैं इसमें तेजपत्ता डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये गरम मसाला है, दालचीनी। अब मैं इसके अंदर हरा मिर्च डाल दे रही हूँ, प्याज। तो दोस्तों, इसको आपको गलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो दोस्तों, 100 ग्राम मछली है इसलिए मैं तेल इतना सा डाली हूँ। आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे आपके मछली हो उस हिसाब से आप तेल डालिए। तो देखिए, मैं लहसुन और अदरक खड़े ही डाली हूँ। तो दोस्तों, मैं खड़ा इसलिए डाली हूँ कि ये दो प्याजा है। अगर आप चाहें तो आप इसे पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक डालना इसलिए ज़रूरी है कि टमाटर कैसे गलेगा अगर नमक नहीं डालेंगे तो। तो दोस्तों, मैं इसको सही से चला दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्याज मेरा हल्का गल गया है। अब मैं इसके अंदर झींगा डाल रही हूँ। तो दोस्तों, झींगा डालकर आप सही से चला लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप इसे 2-3 मिनट ऐसे ही चला चला के भून लीजिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर पहले इसलिए डाल रही हूँ कि इसका कलर सही लगे। देख रहे हैं ना कितना प्यारा हल्दी पे दिखने लगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। तो दोस्तों, अब आपको सही से भूनना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें पानी थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करूँगी।
इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम आराम से भूनूंगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे 1 मिनट के लिए फिर से ढक दे रही हूँ भून के। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा झींगा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। तो दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा झींगा आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा दिख रहा है। तो आप इसे खा सकते हैं। थैंक यू।